करबला रोड निवासी रोहित बर्नवाल के साथ पुलिस ने अर्घाघाट में बेरहमी से मारपीट की है, जिससे उसके जिस्म पर जगह जगह निशान बन गए हैं। इसको लेकर रोहित ने वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई। इस बाबत रोहित बर्नवाल ने बताया कि वह पांडेडीह से अपने दुकान को बंद करने के बाद कुछ सामान लेकर घर की ओर आ रहा था, तभी अर्घाघाट के पास इसे पुलिस के द्वारा रोका गया। रुकने के स्थान से थोड़ा आगे रुकने पर पुलिस ने इस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। रोहित ने कहा कि इससे ई पास के बारे में पूछा गया तो इसने कहा कि साइट स्लो था, इस वजह से पास नहीं बन पाया। इसी पर पुलिस वाले भड़क गए और जमकर मारपीट की, जिससे रोहित को काफी चोटें आई और शरीर पर कई जगह दाग बन गए। मैं रोहित बर्नवाल, पिता मनोज कुमार बर्नवाल, मैं दुकान पांडेडी से अपना बंद करके आ रहा था। इसी दौरान मुझे अर्घाघाट पुल पे दो पुलिस कर्मियों के द्वारा रोका गया। मैंने थोड़ा आगे बढ़ के रुकने पर मुझसे बिना सवाल जवाब किए बस इतना ही पूछा कि ई पास तुम्हारा कहाँ है। मैंने कहा कि ई पास अभी मैंने बनने दिया है, उसके लिए टाइम लग रहा है, साइट नहीं खुलेगा। साइट जो है दो दिन से विलम्ब चल रहा था, इसी वजह से मेरा पास नहीं बन सका। फिर भी मेरे कहने पे उन्होंने मुझे ताबड़तोड़ कम से कम 20 से 30 लाठी मुझे मार दिए। इस दौरान मुझे इस प्रकार से चोट आई है कि मुझे पूरी तरह से चोटिल हो गया है, और इस तरह का चोटिल होने की वजह से मुझे अंदर से पूरा कमजोरी वीकनेस आ गया है। कोई भी इस तरह का व्यवहार अगर दूसरे व्यक्ति के साथ हुआ, इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन थाना प्रभारी के ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, मुझे सहयोग करें। आपका आगे